नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइक विद स्कूल बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर स्टॉक मार्केट बिजनेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और ग्लोबल इंडेक्सेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, SGX और निकाय, ठीक है। फिर हम देखेंगे स्टॉक्स जो फोकस में रह सकते हैं आज के दिन न्यूज़ के चलते, एंड देन देखेंगे FIIs और DIIs का डेटा। तो सर, कल की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों वीक क्लोज हुए थे, लगभग 1% नीचे क्लोज हुए थे। कल निफ्टी 2.5% से भी ज़्यादा नीचे था, बट सपोर्ट किया निफ्टी बैंक ने। कल निफ्टी बैंक, कैनरा बैंक के अच्छे रिजल्ट्स आए, कैनरा बैंक, SBI बैंक, PNB बैंक, ये सारे स्ट्रॉन्ग थे कल, इसीलिए रिकवरी बहुत शार्प आई निफ्टी में। और बैंक निफ्टी भी ग्रीन में क्लोज हुआ है, 0.7% ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो आज भी पॉसिबिलिटी है निफ्टी बैंक थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पर निफ्टी में बहुत शॉर्ट करना चाहिए। जैसे कल के वीडियो में बताया था 17,250 कैसे लगा के आप सेल कर सकते हो, टारगेट्स रहेंगे 17,900 तक। अभी हम बात करेंगे SGX के बारे में। तो SGX वीक इंडिकेट कर रहा है, 0.3% नीचे ओपन हो सकता है, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो सकता है, आपको शॉर्ट करना है वहाँ पर भी। 17,121 के लेवल्स में SGX ट्रेड कर रहा है। अगर हम शंघाई कंपोजिट की बात करें तो 1% तक नीचे है, स्ट्रेट टाइम्स कॉस्पी तकरीबन कॉस्पी ऊपर है 1% तक और स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट है। तो अभी हम देखेंगे स्टॉक्स जो फोकस में रह सकते हैं न्यूज़ के चलते। दोस्तों पहला स्टॉक रहेगा पंजाब नेशनल बैंक। द बैंक रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ ₹1,126 करोड़ एज कम्पेयर टू 506 करोड़। द नेट इंटरेस्ट इनकम फेल टू 7,803 करोड़ फ्रॉम 8,345 करोड़। दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ में पंजाब नेशनल बैंक ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है, 506 करोड़ से इट्स डबल, 110% ज़्यादा उनका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। पर NII देखेंगे, इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो वो थोड़ा गिरा है, पहले 8,300 था, वो अभी 7,800 में आया है। फिर हम देखेंगे इंडस टावर्स। द कंपनी रिपोर्टेड हायर प्रॉफिट ऑफ 1,570 करोड़ एज कम्पेयर टू 1,558 करोड़। रेवेन्यू भी देखेंगे तो रेवेन्यू बेसिस भी उठा है, 6,927 करोड़ हुआ है, पहले वो 6,875 करोड़ था। फिर आता है KEI इंडस्ट्रीज। द कंपनी रिपोर्टेड शार्पली हायर प्रॉफिट एट 101 करोड़ एज कम्पेयर टू 76 करोड़। अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो भी जंप आया है, 1,563 करोड़ एज कम्पेयर टू 1,152 करोड़। तो आप ये तीन स्टॉक्स में नज़र रख सकते हो, KEI इंडस्ट्रीज, इंडस टावर्स और PNB। PNB ने कल भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था SBI बैंकिंग में, तो इसलिए आपको बैंक निफ्टी सेल करने की राय नहीं है दोस्तों, सिर्फ निफ्टी सेल कीजिए, क्योंकि निफ्टी में IT इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स, ये जो सेक्टर्स है ये भी वीक है, क्योंकि सिर्फ एक अकेला बैंक निफ्टी पूरा निफ्टी को नहीं उठा सकता। कल 400 पॉइंट से सिर्फ 200 पॉइंट की रिकवरी सिर्फ बैंक निफ्टी ने लाया था, या IT भी बहुत ही वीक है। तो आप निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हो, बैंक निफ्टी मत कीजिए, ना लॉन्ग कीजिए ना शॉर्ट कीजिए, बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है। और अभी बैंकिंग के स्टॉक्स के रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो फुली जिनके भी कैनरा बैंक के कल रिजल्ट अच्छे आए थे, तो शार्प रिकवरी कैनरा बैंक में आई, तो सारे बैंक्स में कैनरा बैंक ऊपर लेके चला गया। तो आप बैंक निफ्टी में रिस्क मत लीजिए, अभी उठ सकता है बैंक निफ्टी मार्जिनली, शॉर्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट्स आपको नहीं होगा, पर निफ्टी में करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट्स हो सकता है। अगर FIIs और DIIs की बात करें तो FIIs ने कल के दिन सेल किए थे 6,266 करोड़ और DIIs ने बाई किया था 2,881 करोड़। तो ये भी डेटा बहुत ही वीक है FIIs और DIIs का डेटा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, थैंक यू। दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप्स के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। वो आपको मंडे टू सैटरडे एवरीडे मिलेगा। आपको एनरोल करने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें व्हाट्सअप कर सकते हो और एल्स कॉल कर सकते हो नंबर पर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ। और दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूले, थैंक यू।